बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स, वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी मैं बनाऊंगी। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल सही बन सके, और इसके अलावा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दिया करें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चले आएँ, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सी फ़िश यूज़ करती हूं। अक्सर मेरे व्यूअर्स मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन सी फ़िश जो है वो यूज़ करती हैं। मैं ये इस तरह की बोनलेस फ़िश लेती हूं, इसमें बोन्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं और ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसको बंगश बोलते हैं। चले आए, पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ छोटे छोटे स्लाइसिस में। फ़िश के हमने पीसेस कर लिए, अब मैं इसे स्टीम पे रखूँगी। पानी मैंने पहले से एक पतीली में बॉईल होना रख दिया था, इसके ऊपर अब एक जाली लगा देंगे। फ़िश को स्टीम करने के लिए मैं इस पे इस तरह फ़िश रख दूँगी। आपके पास अगर इस तरह की स्टीमर वाली पतीली अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इतने खुले पैंदे वाली पतीली आप ले कर उस पर कोई भी जाली रख के तो इस तरह स्टीम के कर सकते हैं फ़िश को। वैसे तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है ये वाली फ़िश, लेकिन हम 5 से 6 मिनट तक इसको स्टीम में रखेंगे। अब मैं इसको ढकने से कवर कर लूँगी, 6 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मैं चेक करती हूँ। ये देखें, बिल्कुल कुक हो गई है। फ्लेम अब बंद कर दें इस टाइम पे, इसको साइड में रख देंगे। एक पैन लें, इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल लें। इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लेके उनको बारीक कटिंग की, ये इसमें डाल दूँगी मैं। और साथ ही ये जो गार्लिक क्लॉव्स हैं ये भी मैंने 4 लिए थे, इनकी भी छोटी छोटी सी कटिंग कर ली, ये भी इसी में डाल देंगे। बस इसको गोल्डन नहीं करना, हमने हल्का सा सौते करना है। प्याज सौते हो गया, यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें फ़िश जो स्टीम की थी वो इसमें डाल दूँगी। आग बिल्कुल स्लो कर दें आप, फ्लेम इस टाइम तेज़ नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छी तरह मैश कर लें फ़िश को। फ़िश अच्छे से मैश हो गई है, अब इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, साथ ही इसमें जाएगी 1 टीस्पून ये रेड कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। साथ ही इसमें मैंने 1 अदद आलू लेके उसको बॉईल किया, बॉईल करके मैश करके रखा हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा ऐड करती हूँ मैं इसको, बस इतना डालना है कि ये बाइंडिंग में काम आता है, फ़िश को बाइंड अच्छे से कर देगा। रेड चिल्ली सॉस जो है वो डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। अच्छा व्यूअर्स, एक बात मैं आपसे कहना भूल जाती हूँ हर दफ़ा, कि आप मेरी रेसिपी जब देखते हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अगर अच्छी लगती हैं तो फिर लाइक ज़रूर किया करें। अब ये रेडी है, फ्लेम बंद करें। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे, फिर इसकी बॉल्स तैयार करेंगे। फ़िश का मिक्सचर ठंडा हो गया, मैंने इतने साइज़ में बॉल्स रेडी कर ली हैं। अब 1 अदद अंडा ले के उसको अच्छी से फेंट लेंगे, और 1 कप के बराबर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए। अब बॉल ले के पहले इसको एग में डिप करेंगे। अब इस पे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो कोट कर देंगे। इस तरह तमाम बॉल्स मैं रेडी कर लेती हूँ। तमाम बॉल्स की कोटिंग हो गई है, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इस तरह हाथ रखें, आपको हीट फील हो तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। इस टाइम पे फ्लेम मैंने स्लो कर दिया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बॉल्स इसमें डालती जाऊँगी। एक साइड से अच्छी तरह कोटिंग पक जाए फिर ही आपने इसकी साइड पलटनी है। अब इसमें को हमने कलर ही देना है, बाकी तो सब चीज़ें रेडी हैं कुक होके। इस तरह आप साइड पलटते जाएं, जिन बॉल्स का कलर इस तरह गोल्डन होता जाए वो निकालते जाएं साथ साथ। व्यूअर्स, फ़िश बॉल्स रेडी हैं, ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप अक्सर रेस्टोरेंट में देखते हैं कि फ़िश बॉल्स का प्लेटर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और ये घर में अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही सस्ती पड़ती हैं। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये फ़िश बॉल्स कैसी लगी हैं। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लें, तभी आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।